नेपाल से भारत 25 किलो चरस की तस्करी की जा रही थी। इन तस्करों को चंपावत जनपद के बनबसा भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में पुलिस टीम ने धर दबोचा। चरस की कीमत 50 लाख बताई जा रही है। बनबसा भारत नेपाल सीमा क्षेत्र की पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। नेपाल से तस्करी कर भारत लाई गई 25 किलो से ज्यादा चरस के साथ दो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़ी गई चरस की कीमत अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लगभग 50 लाख के आसपास आकी जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी शिवराज सिंह राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम के द्वारा एसओजी एवं एसटीएफ के साथ संयुक्त टीम बनाकर की जा रही चेकिंग के दौरान टनकपुर चंपावत राजमार्ग पर कमलपथ के पास एक होंडा सिटी कार UK07AY1771 को चेकिंग के दौरान रोका। चेकिंग में कार के चेचिस के नीचे बने मॉडिफाइड केबिन में 16 पारदर्शी पन्नियों के बंडल के रूप में 15 किलो 747 ग्राम एवं कार में ही रखे एक अन्य बैग में 9 किलो 940 ग्राम चरस बरामद की गई। कार में सवार दोनों व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों व्यक्तियों की पहचान विशाल गुप्ता निवासी बदायूं एवं ब्रजेश कुमार गुप्ता निवासी थाना दादागंज बदायूं के रूप में हुई है। दोनों ने बताया कि उन्होंने पुलिस से बचने के लिए कार में मॉडिफिकेशन करवाया था। यह केबिन बरेली में ही बनाया गया था जिससे कि यह आसानी से चरस की तस्करी कर सके। यह चरस उनके मित्र नेपाली तस्करों के द्वारा उनको दी गई थी जिसे उन्हें बदायूं ले जाना था, जहां इस चरस को बेचकर वो मोटी रकम कमाने की फिराक में थे। पकड़ा गया जो नेपाल से एक गाड़ी के नीचे की तरह मॉडिफाइड करके चरस जो है 25 किलो 25.5 किलो लगभग चरस पकड़ी गई। इसका अंतर्राष्ट्रीय 50 लाख कीमत है। जो इनको पकड़ने में हमारी टीम ने महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे महोदय के नाम से, और आगे भी इस तरह के अभियान चलते रहेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।